खासकर 500 व 1000 रुपए की नोटबंदी का जो ये अपरिपक्व व बिना पूरी तैयारी के ही फैसला लिया है, जिससे यहाँ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के लगभग 90% लोगों ने जिस प्रकार की अप्रत्याशित परेशानी, अपमान व सरदर्दी आदि झेली है, वह सैकड़ों लोगों ने अपनी जान तक भी गवा दी है, तो ये सब यहाँ आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा, ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा जिसे लोगों के लिए चाहकर भी भुला पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नोटबंदी के मामले में इनकी अपरिपक्व नीतियों व गलत कार्यशैली होने के कारण अब देश की अधिकांश जनता में इसको लेकर काफी गहरी चिंता अभी तक भी लगातार बरकरार है, जो इनके लिए इस नव वर्ष में भी शुभ संकेत वे अच्छे दिन आने के आसार बहुत कम ही दिख रहे हैं। किंतु फिर भी हमारी पार्टी की देश व जनहित में कुदरत से यही प्रार्थना है कि इस नए वर्ष सन 2017 में भाजपा व इनकी केंद्र की सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुछ जरूर सद्बुद्धि आए, ताकि फिर अपने देशवासियों के लिए ये नया वर्ष पिछले वर्ष की तरह जन पीड़ादायी साबित ना हो। अर्थात केंद्र की वर्तमान सरकार में अब इस नव वर्ष में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिसमें देश की आम जनता अपनी कमाई के ही एक एक पैसे के लिए लाचार ना बनी रहे, और फिर उन्हें अपने खर्च के पैसों को एटीएम व बैंक आदि से निकालने के लिए रात से ही उनके बाहर लंबी लाइन में खड़े होकर कष्ट ना झेलना पड़े। इसके साथ ही इस नए वर्ष सन 2017 में लोगों का पैसा उनका अपना बना रहे और नियमों के तहत वे जैसा चाहें, जितना चाहें व जब चाहें उन्हें अपने हिसाब से खर्च करने की पहले जैसी ही आजादी दोबारा से मिल जाए, ताकि गुजरे वर्ष सन 2016 का काला साया अब आगे इस नए वर्ष में उनका यमराज बनकर पीछा आदि ना करे, और ना ही दिनांक 8 नवंबर सन 2016 के नोटबंदी के संबंध में अपने किए गए वादे से अब और आगे ना मुकरे, बल्कि खुद अपने वे अपनी पार्टी के बारे में भी, मैं बीजेपी की बात कर रही हूं क्योंकि खुद अपने वे अपनी पार्टी के बारे में भी काला धन वे भ्रष्टाचार के मामले में जन अपेक्षा के अनुसार दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाए, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनांक 27 दिसंबर सन 2016 को इनसे ये उम्मीद भी की थी, जिसे उजागर करने के लिए बीजेपी के लोग अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और यदि केंद्र सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी से इन सभी मामलों में अमल कर लिया जाता है तो फिर यही इनकी इस नव वर्ष में देश हित की असली व सच्ची शुभकामना भी होगी। लेकिन अभी हाल ही में गत वर्ष दिनांक 31 दिसंबर को, यानी कि 31 दिसंबर सन 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम पर दिए गए संबोधन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये देश की जनता की इन सभी उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं, जबकि उस दिन पूरे देश के खासकर यानी कि 31 दिसंबर को
जबकि उस दिन पूरे देश के खासकर गरीब मजदूर किसान वे अन्य मेहनत कश एवं मध्यम वर्गीय लोग इनसे ये उम्मीद करके चल रहे थे कि वे उनके हित व कल्याण के लिए कुछ ना कुछ ठोस व बुनियादी फैसले लेने का जरूर ऐलान करेंगे और इस मामले में खासकर देश के छोटे व सीमांत किसान जो ये सोचकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ही उनकी कर्ज माफी का वे उन्हें अन्य और जरूरी सुविधाएं देने का भी जरूर ऐलान करेंगे। इसी प्रकार उस दिन देश के गरीब लोग भी ये सोचकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने देश में ही इकट्ठा किए गए काले धन में से हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपए भेजने की भी घोषणा जरूर करेंगे। साथ ही गरीब बेघर लोग भी ये मानकर चल रहे थे कि वह उत्तर प्रदेश में बीएसपी की रही सरकार के तर्ज पर ही चलकर पूरे देश में अपनी केंद्र की सरकार की ओर से इन्हें 2 कमरों के पक्के फ्री मकान बनाकर देने की भी घोषणा जरूर करेंगे। इन्हीं लोगों की तरह देश में नोटबंदी से परेशान चल रहे छोटे कारोबारी लोग भी इनसे कुछ राहत मिलने की उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन इनके पूरे संबोधन को सुनने के बाद उस दिन फिर अंत में इन सभी लोगों को अपनी इन सब उम्मीदों को लेकर अधिकांश निराशा ही मिली है। इसके अलावा कल लखनऊ में हुई बीजेपी की रैली में जिसमें पूर्व की तरह ही अधिकांश इनके टिकटार्थी व भाड़े के लोग ही इकट्ठा हुए थे, जिसमें लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी यह भीड़ इनकी उम्मीद के हिसाब से इकट्ठा नहीं हुई थी, अर्थात बहुत कम ही भीड़ इकट्ठा हुई थी। अपनी ऐसी पिटी व असफल हुई रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल जो कुछ भी बोला है तो वह घुमा फिराकर पूर्ण रूप से अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से वह बिना पूरी तैयारी के ही लिए गए अपने नोटबंदी के फैसले आदि पर से ही अपनी कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने वाला ही इनका ये पूरा सफाई देने वाला भाषण था, जो ये पूरे तौर से उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ही ध्यान में रखकर केंद्रित रहा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से ठीक पहले गत वर्ष के आखिरी दिन दिनांक 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम पर दिए गए संबोधन में जो भी घोषणाएं आदि की हैं, तो ये सब केवल इनकी जबरदस्ती की खाना पूर्ति करने वाली ही नाम मात्र की मामूली सी ही घोषणाएं थी। और वैसे भी यदि इस मामले में जनता के प्रति इनकी नीयत साफ होती तो फिर यही कार्य ठीक यहाँ चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले नहीं बल्कि लगभग 1.5-2 साल पहले ही घोषित किए जा सकते थे, जो अब तक पूरे भी हो जाते। इसलिए इनके गत वर्ष 31 दिसंबर सन 2016 को घोषित किए गए फैसले इनके अब तक के अनुभवों को ध्यान में रखकर ये अधिकांश इस चुनाव के बाद इनके लोकसभा चुनावी वायदों की तरह ही गायब हो जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ गए, अर्थात फिर इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। और यही कार्य ठीक चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ बरसों तक कांग्रेस पार्टी भी जनता को गुमराह करने के लिए किया करती थी, जिनके पद चिन्हों पर अब वर्तमान में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं, जिनके बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता को भी नहीं आना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को सावधानी के तौर पर यहाँ मेरा ये भी कहना है कि केंद्र में अब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार का लगभग 2.5 वर्षों का अर्थात आधे कार्यकाल का समय बीत चुका है, किंतु अभी तक भी ये सरकार यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी घोषणा
वे शिलान्यास आदि करने के कार्य से आगे नहीं बढ़ पाई है, यहीं तक सीमित रही है। जो इनके ये भी कार्य यहाँ प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के स्वार्थ को ही ध्यान में रखकर किए गए हैं, लेकिन इनके द्वारा ऐसी कार्यशैली व खोट रखने वाली नीयत से काम करके अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को और गुमराह नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा देश में काला धन व भ्रष्टाचार आदि पर से अंकुश लगाने के नाम पर इनके नोटबंदी के लिए गए फैसले के 50 दिन पूरे होने पर खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने वायदे के मुताबिक देश के नाम पर दिए गए अपने संबोधन में और कल लखनऊ की अपनी रैली में भी इससे जुड़े जिन जरूरी तथ्यों को पूरे देशवासियों के सामने उजागर करना चाहिए था वो इन्होंने उजागर नहीं किए, जिसको लेकर अब जनता में इनके प्रति किस्म किस्म की भ्रांतियां व आशंकाएं आदि पैदा हो रही हैं। लेकिन इससे यहाँ ये बात तो काफी हद तक जरूर स्पष्ट हो जाती है कि इसके पीछे इनका दाल में जरूर कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला होने का अंदेशा ही नजर आ रहा है, जिसकी खास वजह से ही ये सरकार नोटबंदी को लेकर आए दिन अपने खुद के बनाए गए नियमों को ही अभी तक भी बदलती रही है और अभी भी बदल रही है, जिसे खास मद्देनजर रखते हुए ही यहां मैं इस संबंध में ये कहना जरूरी समझती हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर दिनांक 31 दिसंबर सन 2016 को जब इन्होंने देश को संबोधित किया था तो तब इनको उसी दिन अपने वायदे के मुताबिक जो इन्होंने जनता को वायदा दिया था तो तब इनको उसी दिन अपने वायदे के मुताबिक ये बात जरूर पूरे देशवासियों को बता देनी चाहिए थी कि नोटबंदी के उनके इस आम जन पीड़ादायी अभियान का लाभ ये हुआ है और इससे इतनी मात्रा में काला धन पकड़ा गया है तथा इससे देश में इतनी तादाद में भ्रष्टाचार भी काफी कम हुआ है, ये सब उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताकर पूरे देशवासियों को काफी निराश किया है।